इंडिया में 1 सितंबर से सभी ट्रेडर्स को ये मेल आ चुका होगा और ये मान्यता हो गई है कि आपको केआरए वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाइक टेक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जो ट्रेडर्स रहते हैं जो अलग अलग कंपनियों के साथ जुड़ के ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, एंजल वन हो गया, और भी बहुत सारी अन्य कंपनी रहती है जिनके साथ ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं। मतलब जो एक ट्रेडर रहता है, मतलब जो शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और ट्रेडिंग करता है, तो उन ट्रेडर्स को सभी को एक मेल आया होगा, मतलब उनके जीमेल पे एक मेल आया होगा इस टाइप का कि आपका जो केआरए वेरिफिकेशन है वो आप कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। अबे केआरए वेरिफिकेशन क्या है? केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी है एक। ये क्या करती है? ये सारे अपने इंडिया में जितने भी ट्रेडिंग कंपनी रहती है उनके साथ मिलकर आपको है ना एक मेल भेजती है। मतलब उनको केआरए वैलिडेशन टीम रहती है, केआरए वैलिडेशन टीम वो काम करती है, जैसे कि जो आपका डाटा रहता है वो अपने पास रखती है कि आप कितने ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने ट्रेड रखा है, मतलब आपका जितना भी रिकॉर्ड रहता है वो कंपनी रखती है, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी जिसे कहा जाता है। तो ये सारी आपकी जो डिटेल रहती है अपने पास रखती है, और ये गवर्नमेंट से साइन एजेंसी है, मतलब सेबी इसको कंट्रोल करती है, जो इंडिया का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सेबी वो इस चीज़ को कंट्रोल करती है, आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास रहता है। अब उनको बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि उनको पता तो रहता है केआरए वेरिफिकेशन आ चुका है, मतलब 1 सेप्टेम्बर से, 1 सेप्टेम्बर से पूरे इंडिया में वैलिडेशन हो गया कि आपको आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडर्स बनना चाहते हो और ट्रेडिंग करके अच्छा मुनाफा जनरेट करना चाहते हो, तो आपको है ना केआरए वेरिफिकेशन को है ना कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको केआरए वेरिफिकेशन करना कैसे, बहुत सारे लोगों को दिमाग में बहुत सारी दिक्कतें रहती है, केआरए वेरिफिकेशन हाँ अपना कैसे कंप्लीट करें? तो आपको सिंपल आपका जो लिंक आएगा आपके मेल के ऊपर, आपके मेल आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाते उस मेल में क्या रहता है, तो वहाँ पर एक लिंक रहेगा, वहाँ पर लिंक पर आपको क्लिक कर देना, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन पर मेरे लिंक है उस लिंक पर क्लिक कर देना है आपको, या आपके जो मेल पर आया वो लिंक पर क्लिक कर देना है, बोथ आर सेम, मतलब दोनों की दोनों सेम ही लिंक है। तो यहाँ पर आपको ऐसी वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आपको लिखा हो जाएगा CVL KRA वैलिडेशन अटेंशन इन्वेस्टर, लिखा हो जाएगा KYC है। तो इस KYC को आप करना क्या है, यहाँ पे आपको आपका पेन कार्ड नंबर डाल देना, मतलब जो आपका पेन नंबर है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पेन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, और जिस पेन कार्ड अकाउंट नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो भी यहाँ पे डाल देना है, और आपको आपका ईमेल आईडी डाल देना, और सिंपली जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा वो यहाँ पर दर्ज कर देना, और आपके मेल पर आ जाएगा जिस मेल से आप अपना जो ट्रेडिंग का अकाउंट चलाते हैं, जैसे जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, और भी बहुत सारे अकाउंट लोगों के रहते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना अकाउंट का जो भी ओटीपी आता है आपके मेल पे वहाँ पे यहाँ पे दर्ज कर देना, उसके बाद सबमिट एंड एग्जिट कर देना, बस कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपका जो KYC रजिस्ट्रेशन है 100% कम्प्लीट हो जाएगा और आपका KRA वेरिफिकेशन हो चुका है कम्प्लीट, और आप सिंपली ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडिया में 1 सितंबर से सभी ट्रेडर्स को ये मेल आ चुका होगा और ये मान्यता हो गई है कि आपको KRA वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। तो बस दोस्तों, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।